अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट सिस्टमैटिक का लेक्चर नंबर 12। और आज हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम। कल हमने एरियल स्टेम पढ़ी थी, आज हम क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। पहले हमने लेक्चर में देखा था कि दो तरह की स्टेम होती है, एक एरियल और एक क्या होती है अंडरग्राउंड। कल हमने एरियल को डिस्कस कर लिया था, आज हम अंडरग्राउंड स्टेम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम क्या करती है? स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। स्टेम थिक स्वॉलन होती है और इसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है। मोस्टली ये पेरिनियल हर्ब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अंडरग्राउंड स्टेम्स कहाँ पे होती है? पेरिनियल हर्ब्स के अंदर होती है। रिजेंबल रूट्स से ये रिजेंबल करती हैं, लेकिन इनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि यही एक बेसिक पॉइंट है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट से। रूट्स के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी क्या हम क्या कह रहे हैं कि रूट जैसी होती है, लेकिन हम उसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसके ऊपर भी नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम की मज़ीद आगे से 3 टाइप हैं, राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर। राइजोम, कॉम, बल्ब एंड ट्यूबर। सबसे पहले देखते हैं हम राइजोम क्या होता है। इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम। इलोंगेटेड लंबी होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रो में मूव करती है, थिक होती है, फ्लैशी होती है और अंडरग्राउंड होती है। थिक और फ्लैशी है तो ऑब्वियसली क्या करेगी? स्टोर्ड फूड और गिव ऑफ द ब्रांचेस। इससे ब्रांचेस भी निकलती है, मतलब अंडरग्राउंड ये है तो इससे क्या निकलेंगी? एरियल ब्रांचेस भी इससे मूव करेंगी। अच्छा जी, अब ये जो राइजोम है ना, ये मज़ीद आगे से डिवाइड हुआ है, स्ट्रैगलिंग राइजोम में, सुबोल राइजोम में, मोनोपोडियल राइजोम और सिम्पोडियल राइजोम में। अंडरग्राउंड स्टेम के हमने क्या कहा कि 4 टाइप्स हैं, राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर। ठीक है, और राइजोम हमने क्या कहा कि इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है एंड इट गिव ऑफ ब्रांचेस। अब राइजोम के आगे से क्या है? 4 टाइप्स हैं, स्ट्रैगलिंग, सबोल, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। स्ट्रैगलिंग क्या होती है? इलोंगेटेड लेस ब्रांच्ड, मतलब इलोंगेटेड होती है लेकिन इतनी इसकी ब्रांचेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल टाइफा एक ग्रास है, वाटर ग्रास को हम क्या बोलते हैं? टाइफा बोलते हैं। उसकी जो स्टेम होती है वो किस तरह की होती है? स्ट्रैगलिंग होती है, इलोंगेटेड होती है लेकिन उसकी इतनी ब्रांचेस नहीं होती। क्लियर? उसके बाद है सुबोल राइजोम, ये लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है और इसके लॉन्ग इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, जो पहले हम पढ़े थे वो क्या होती थी? इलोंगेटेड और ब्रांचेस, लेस ब्रांचेस थी। ये क्या है? लॉन्ग है, सिलेंडर है, मतलब लंबी है, पतली होती है ये स्टेम और इसकी लंबी क्या होती है? इंटर नोड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासेस की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो क्या होती है? सबोल राइजोम होती है। ठीक है, मोनोपोडियल ऐसी स्टेम होती है जो रेसमोस टाइप से ग्रो करती है। रेसमोस टाइप से ग्रो क्या करना होता है कि मेन एक्सिस होता है, इस तरह इसका एक मेन एक्सिस है और इससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। मेन एक्सिस है, इससे क्या निकलती हैं? लेटरल ब्रांचेस। ऐसे स्टेम को हम क्या कहेंगे? मोनोपोडियल राइजोम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोपोडियल राइजोम। उसके बाद है सिम्पोडियल साइमोसे क्या होता है कि हर निकलने वाली ब्रांच का अपना एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है कि एक मेन एक्सिस होता है, उस मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन साइमोस क्या होता है कि हर निकलने वाली ब्रांच का अपना एक्सिस होता है। क्लियर? पहले हमने क्या पढ़ी? स्ट्रैगलिंग वो इलोंगेटेड और लेस ब्रांच थी, सबोल राइजोम क्या है? लॉन्ग सिलेंडर और लॉन्ग इंटर नोड्स होते हैं इसके। मोनोपोडियल रेसमोस टाइप ग्रो करती है, सिम्पोडियल साइमोस टाइप ग्रो करती है। रेसमोस क्या होता है कि ये इसका एक बेसिस एक्सिस है और इस एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, जबकि साइमोस क्या है कि इसका हर नई निकलने वाली ब्रांच का अपना एक एक्सिस होता है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम। कॉम क्या होता है? थिक सॉलिड राउंडेड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होता है? वो इलोंगेटेड था, ठीक है, वो इलोंगेटेड। हमने राइजोम पढ़ा है, राइजोम क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, लेकिन ये क्या है? राउंडेड है, थिक सॉलिड राउंडेड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्यू इंटर नोड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? कोलोकेसिया हम कचालू को बोलते हैं। क्लियर? राइजोम और कॉम में क्या डिफरेंस है कि राइजोम इलोंगेटेड था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल था, लेकिन ये क्या है? थिक है, सॉलिड और राउंडेड है, ये राउंडेड शेप में होता है। क्लियर? ये जो कॉम है। क्लियर? उसके बाद आ गया बल्ब। बल्ब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क।
इसमें क्या होती है, ये डिस्क होती है, ये बेस पे, ये क्या है, ये बल्ब है। यहाँ पे क्या है, इसकी बेस पे ये डिस्क प्रेजेंट है। इस डिस्क के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं इसके, और यहाँ से क्या निकलती हैं, छोटी सी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। क्लियर। बल्ब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क। ये कॉनिकल डिस्क है इसकी, इसके ऊपर ये बाकी बेस करता है। दो तरह के बल्ब होते हैं, ट्यूनिकेट बल्ब और इम्ब्रिकेट बल्ब। ट्यूनिकेट बल्ब में क्या होता है, लीव सराउंड ईच अदर। जिस तरह ये देखें, जिस तरह प्याज और अनियन क्या है, इसकी एग्जांपल है। प्याज को आप देखें तो क्या होता है, हर एक लीव ने दूसरे को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। और इस तरह लहसुन के अंदर भी क्या होता है, जो क्लोव्स होते हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। क्लियर। लेकिन जो इम्ब्रिकेट होते हैं ना, उन्होंने सराउंड नहीं किया होता, उन्होंने ओवरलैप किया होता है। क्या किया होता है, ओवरलैप किया होता है। जिस तरह ये देखें, ये क्या है, ये ट्यूनिकेट है, ये ट्यूनिकेट बल्ब है। ऑनियन और गार्लिक के होते हैं, ट्यूनिकेट की एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे हर लीव ने, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन से आ रही है ना, ये लीव्स हैं। मतलब जो अनियन होता है ना, अनियन के जो पीसेज होते हैं ना, अंदर से हम निकलते हैं, वो उसके हम उनको लीव्स बोलते हैं। अनियन के, अनियन को काटे हैं आप तो देखा, एक कवर के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर तीसरा, फिर वो उसके लीव्स होते हैं। एक दूसरे को क्या किया होता है, उन्होंने ओवरलैप किया होता है। जैसे ये ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, सॉरी सराउंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सराउंड। अगर एक आप अनियन का वो छिलका उतारते हैं तो उसके नीचे दूसरा निकल आता है, फिर तीसरा। तो क्या किया हुआ है, एक ने दूसरे को सराउंड किया हुआ है। जैसे ये देखें, दरमियान में ये, दूसरे ने सराउंड किया हुआ, फिर अगले ने सराउंड किया हुआ, लास्ट तक सब ने क्या किया हुआ, एक दूसरे को सराउंड करके रखा हुआ है। इस तरह इसमें भी देखें, ऊपर वाली हमें जो फलियाँ नज़र आती हैं, क्लोव्स नज़र आते हैं अनियन के, इसको उतारेंगे तो नीचे से दूसरे छोटे छोटे क्लोव्स होंगे एंड तक। दरमियान में ये एक स्टिक्स ही होती है, और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, क्लोव्स प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे को सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, ट्यूनिकेट, और ये है इम्ब्रिकेट। ये ओवरलैप किया हुआ, देखें ये ओवरलैप किया हुआ ना, इसने इसको ओवरलैप किया हुआ, इसने उसको ओवरलैप किया हुआ एक दूसरे के ऊपर। ये फ्लैशी स्केल्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, इम्ब्रिकेट, सॉरी ट्यूनिकेट, और ये क्या है, इम्ब्रिकेट। क्लियर। ये देखें, ये राइजोम है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्लैशी है लेकिन क्या है, इलोंगेटेड और हॉरिजॉन्टल है। ये इसकी क्या है, नोड्स प्रेजेंट है। इसके दरमियान के फासले को हम इंटर नोड्स कहते हैं। और ये देखें, ये कॉम है, ये राउंडेड है। ये क्या है, राउंडेड और थिक है। ये नीचे क्या आ जाएगा, इसका बल्ब, और ये क्या है, इसका ट्यूबर। ये फोर टाइप की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, राइजोम, कॉम, बल्ब एंड ट्यूबर। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है स्टेम ट्यूबर, swollen underground tip of branches of vertical axis, each stored food used for vegetative propagation। इसकी एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। swollen होती है, underground tip होती है, vertical branches निकलती हैं इससे। अब पोटैटो के ऊपर आप देखें, अगर पोटैटो को हम रखे ना, तो उसके ऊपर छोटी छोटी आइज बन जाती हैं, ऑफ वाइट से कलर की। तो जब हम पोटैटो को, नया पोटैटो हमें लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पोटैटो को पीसेस काटते हैं। हर पीस के ऊपर वो आई का या बर्ड का होना ज़रूरी होता है, उसको हम ज़मीन में लगा देते हैं, उससे न्यू प्लांट निकल आता है। और आपको पता है कि जब हम किसी भी प्लांट के पार्ट को यूज़ करते हैं नया प्लांट बना लेके, तो हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो ट्यूबर्स हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं फंजाई के अंदर, अगर आप करें रिकॉल करें तो एलजी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि ट्यूबर से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो इसी तरह स्टेम ट्यूबर भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी स्टेम ट्यूबर होते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन में सबसे पहला इसका फंक्शन है पेरिनेशन। क्या है, पेरिनेशन। पेरिनेशन के लिए स्टेम यूज़ होती है। पेरिनेशन का मतलब होता है कि कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेम का, वो सूख जाता है, लेकिन नीचे जो उसका कॉम या बल्ब होता है ना, वो अलाइव रहता है। जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है, वो ग्रो करता है और फिर से पूरा प्लांट बन जाता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनका गुजर जाना और फेवरेबल कंडीशन का आ जाना, इसको पेरिनेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, कि हम जो बर्ड होता है उसके साथ उसका एक पीस काटते हैं पोटैटो का, उसको ज़मीन में लगाते हैं और न्यू प्लांट निकल आता है, वो क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टोर्ड फूड मतलब क्या करती हैं, स्टेम फूड को स्टोर करती हैं। जो पोटैटो है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है, स्टोर्ड होता है। जो कोलोकेसिया है, कचालू, उसके अंदर भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अनियन के अंदर भी फूड स्टोर होता है। गार्लिक के अंदर भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो इसका फंक्शन पेरिनेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और स्टोर्ड फूड है। क्लियर।
इसी बात देखते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि हम इसको खुराक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टैम्प्स के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टैम्प हैं जिन्हें हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो एंटी डायबिटिक होती हैं, एंटी डायबिटिक होती हैं, हाइपरटेंशन को लो करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे राइजोम, जो बहुत सारी वीड्स होती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, उनकी जो स्टैम होती है ना, वो राइजोम होती है। तो वो ज़मीन, अब हम देखते हैं कि अगर एक जड़ी बूटी है तो कैसे हर साल नई जड़ी बूटियाँ बन जाती हैं, हालांकि हम स्प्रे भी करते हैं। तो ये होता है कि जैसे हम हल चलाते हैं ना, तो प्लोइंग होती है, तो जो राइजोम होते हैं ना, वो कट जाते हैं छोटे छोटे पीसेज में। और हमें पता है कि रूट जो स्टेम है वो किसके लिए यूज़ होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। जैसे ही राइजोम छोटे छोटे पीसेज में कटती है, तो हर जो छोटा पीस होता है वो नई वीड बना देता है। इस तरह जो खेत होते हैं उनके अंदर जड़ी बूटियाँ बनती रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर, ये हमारा टॉपिक था आज अंडरग्राउंड स्टेम का, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, हम लीव्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।